हेलो साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह पटेल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं इंडोमाल सिरप के बारे में। साथियों, इंडोमाल सिरप या फिर कहें तो टिंटिल। साथियों, ये देखिए टिंटिल है, टिंटिल। इसमें आर्टिमेथर एंड लिमिफेंट्राइन फॉर ओरल सस्पेंशन, साथियों ये मिला हुआ है, लिमिफेंट्राइन फॉर ओरल सस्पेंशन और इसके साथ आर्टिमेथर, मेनली आर्टिमेथर है। साथियों, जो आर्टिमेथर होता है मलेरिया के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और इसको हमेशा यूज किया जाता है, बच्चे से लेके बड़े तक, यानी कि छोटे बच्चों में भी यूज होता है, बड़े लोगों में भी यूज होता है। लेकिन साथियों, ये जान लेना है कि यदि मलेरिया पीक पॉइंट पर पहुँच चुका है तो आप इसको यूज नहीं करेंगे, आप इंजेक्शन लगाएंगे। साथियों, इंजेक्शन इसी का आता है, आर्टिमेथर का इंजेक्शन भी आता है। साथियों, ये आर्टिमेथर और इसका जो है कि इंजेक्शन बहुत ही प्रभावी होता है साथियों, लेकिन जो एक्यूट केसेज होते हैं, अभी जल्दी जल्दी का मलेरिया हुआ है, यानी तुरंत जैसे उसका सिम्टम दिखना शुरू हुआ, आप सिरप पिलाना शुरू कर दीजिए, बच्चा ठीक हो जाता है। तो साथियों, इसको मैं आपको ये बताऊँगा कि कब पिलाते हैं। साथियों, मैं ये बता दूँ, बच्चे का वजन यदि 5 kg से ऊपर है, यानी कि 5 kg से यदि ऊपर है, तो आप आराम से इंडोमाल यल या फिर टिंटिल सिरप पिला सकते हैं। साथियों, जो ये सिरप होता है मेनली मलेरिया के लिए होता है और 5 kg से ऊपर बच्चा है तभी आप पिला सकते हैं। ये जो है कि प्रिवेंटिव तौर पे पिलाया जाता है मलेरिया के लिए। साथियों, उसका सिम्टम जैसे ही दिखा, बच्चे को तेज बुखार आए, जैसे रात में तेज बुखार हो गया बच्चे को, उसको कपकपी होने लगी, बच्चे को ठंडक लगने लगी, बच्चा ज़्यादा रोने लगा, बेचैन हो गया और बुखार 101 डिग्री से ऊपर जा रहा है, तो साथियों उस टाइम आप टिंटिल सिरप या फिर इंडोमाल सिरप का यूज कर सकते हैं। उस टाइम आप करेंगे तो साथियों, आपका जो है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, या फिर बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों में टैबलेट आता है साथियों, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा डोजेज में, तो उसको बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, जो इंडोमाल एयर ड्राई सिरप आता है, यानी कि ये भी ड्राई सिरप ही है, टिंटिल जो है कि ये भी ड्राई सिरप है और इंडोमाल एयर वो भी ड्राई सिरप ही होता है। साथियों, ये जो है कि इस एंटी मलेरियल के नाम से आती हैं। साथियों, ये जो है एंटी मलेरियल में ही आती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं साथियों, आपके बच्चे के लिए और बड़े लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। साथियों, इसके डोजेज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो डोजेज होता है इसका, उसको हम कैसे क्या करते हैं। साथियों, जो इसका डोज होता है उसको हम पिलाते हैं बच्चों को और बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन डोज यदि करेक्टली ठीक है तभी। साथियों, यदि डोज में ज़्यादा अंतर है तो बच्चे अक्सर करके नहीं ठीक हो पाते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि बच्चे का वजन आपके 15 kg से नीचे है, यानी कि 5 kg से लेके 15 kg के बीच में है, तो फिर आप ये टिंटिल सिरप पिला सकते हैं। लेकिन टिंटिल सिरप 5 kg वजन से लेके 15 kg के वजन के बीच में है, तो आप उसको 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम पिलाएंगे। लेकिन मैं आपको इसको बता दूं, पहले दिन यानी कि जिस दिन शुरुआत करना है उस दिन आपको इसको 2.5 ml एक बार पिलाना है, फिर उसके बाद 8 घंटे बाद, यानी 8 घंटे के बाद फिर पिला देना है, यानी कि दोबारा पिला देना है। फिर उसके बाद अगले दिन आपको 2.5 ml सुबह, फिर 2.5 ml शाम को, फिर उसके अगले दिन 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम को, यानी कि 3 दिन आपको पिलाना है। साथियों, 3 दिन पिला के इस सिरप को आपको बंद कर देना है, बच्चा ठीक हो जाएगा। साथियों, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 15 kg से लेके 25 kg तक, यानी जो 15 kg से लेके 25 kg तक के बच्चे होते हैं उनको आप mg में बढ़ाएंगे, यानी कि जो सिरप होता है उसको, उसकी जो mg होती है उसको आप बढ़ाएंगे। तो साथियों, मैं आपको ये टिंटिल सिरप के बारे में बताया है, तो टिंटिल सिरप में मिला हुआ है आर्टिमेथर आपका 40 mg है, यानी कि 40 mg है इसमें आर्टिमेथर, और लिमिफेंट्राइन जो है इसमें 240 mg मिला हुआ है, तो इसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि 5 kg से 15 kg के बीच में है, तो आप 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम को दो बार पिलाइए, 3 दिन तक पिलाइए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। यदि साथियों 15 kg से 25 kg के बीच में बच्चा है, तो आप इसी सिरप को 5 ml सुबह और 5 ml शाम को दो बार, यानी कि 3 दिन ही पिलाना है, 3 दिन पिलाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा।
साथियों अक्सर करके ये सिरप 25 केजी तक के लिए ही आता है, यानी कि जो इसमें मिला हुआ है 40 एमजी और 240 एमजी दोनों, तो साथियों 25 केजी के बच्चे को आप 5 एमएल सुबह 5 एमएल शाम, ये टोटल इसमें 30 एमएल ही है साथियों, इसमें 30 एमएल है और आपके बच्चे को 3 दिन पिलाना है 5-5 एमएल सुबह शाम, तो 3 दिन ये सिरप चल जाता है और आपका बच्चा उतने में ठीक हो जाता है। साथियों जब 25 केजी से जब ऊपर जाते हैं तो उस टाइम आपके बच्चे के लिए या तो सिरप की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए साथियों, या फिर टैबलेट भी आप दे सकते हैं, यानी कि टैबलेट भी आता है 40 एमजी का साथियों, 40 एमजी का टैबलेट भी आता है, उसको आप दीजिए सुबह शाम दो बार, यानी कि बच्चे को सुबह शाम दो बार दे सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे का वेट आपके 35 केजी से ऊपर है साथियों, 35 केजी से ऊपर है, तो आप उसको 80 एमजी का सिरप देंगे, सॉरी 80 एमजी का टैबलेट देंगे साथियों, 80 एमजी का टैबलेट आता है और उसको आप पिलाएंगे। मैं आपको लोगो लगा दूंगा शुरुआत में ही, उसको आप देख लीजिएगा, टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, यानी कि सारे मौजूद हैं, इंडोवाल का सब कुछ मौजूद है, उसके साथ साथ एटिंटिल भी वही चीज़ है साथियों, आर्टिमेथर एंड लिमिफेंट्राइन इसमें जो है कि मिला हुआ है, लिमिफेंट्राइन बहुत ही अच्छा काम करता है और आर्टिमेथर तो रामबाण है ही है मलेरिया के लिए। साथियों ये दवा आप बच्चे को पिलाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा आपका मलेरिया से और रिकवर कर जाएगा। साथियों उसके लिए मैं आपको डोजेज के बारे में बता दिया, यानी कि जो इसका डोज है कितना कैसे पिलाना है, इससे आप परेशान ना हो। यदि बच्चे का वजन के हिसाब से आप देख लीजिए कि बच्चे का वजन कितना है, उस हिसाब से आप बच्चे को ये सिरप पिला दीजिए। साथियों उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं साथियों, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है, आप जानते ही होंगे जो भी एलोपैथिक दवाएं हैं, सारी एलोपैथिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो साथियों जो ये सिरप आप पिलाते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट है इसका वो भी बहुत ज़्यादा है। कहें तो आप उससे जो कि कफ हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, जैसे डिजीनेस हो सकती है, बच्चे को उल्टी आ सकती है, इंसोमेनिया, नींद का न लगना, पेन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, यानी कि कहें तो साथियों एलोपैथिक दवाएं जितनी हैं कुछ फायदे हैं तो कहीं उससे ज़्यादा नुकसान भी है। तो आप ये सोच लीजिए कि बच्चे को एक बीमारी से ठीक कर रहे हैं लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो साथियों आप उसको दवा अवश्य पिलाइए, लेकिन बच्चा यदि ज़्यादा परेशान नहीं है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, तो आप होम्योपैथी उसको दवा ले दे दीजिए, बच्चा ठीक हो जाता है। साथियों अक्सर करके मैं देता हूँ, देखता हूँ साथियों, इसमें दवाएं भी आती हैं एंटी मलेरियल होम्योपैथ में भी आती हैं, जैसे यूपेटोरियम करके बहुत ही अच्छी दवा आती है साथियों मलेरिया के लिए, आप उसको दे देंगे बच्चा ठीक हो जाता है। साथियों ये हो गया आपका इंडोमाल और उसके साथ साथ टिंटिल सिरप के बारे में, आप समझ गए होंगे, इसको आप बच्चे को पिलाइए, बच्चा ठीक हो जाता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो साथियों इंडोमाल यल सिरप के बारे में ही बस इतना ही, मेरी अगली वीडियो फिर मैं दूसरी बनाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा। साथियों मैं अलग अलग तरह की अलग अलग मेडिसिनों की, होम्योपैथ की भी बहुत ज़्यादा मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको आप देखते रहिए, आपके बच्चे के लिए और आपके घर परिवार के लिए सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो साथियों मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, उसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन वहाँ पे लाल घंटी दी हुई है उसको भी दबा दें, ताकि आपको जितनी मेरी नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएँ, यानी कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख लीजिए। तो साथियों बस इतना ही, बस अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।